हेलो एवरीवन। तो हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ रहे थे और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से रूट से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। फिर हम स्टेम के बारे में देख रहे थे कि किस तरह से स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। उसमें भी हमने एक टाइप देखा था, कौन सा, अंडरग्राउंड स्टेम वाला। अब जो दूसरा टाइप है, जो दूसरा टाइप है, सब एरियल स्टेम या क्रीपिंग स्टेम, तो उससे किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसके बारे में हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, दूसरा जो टाइप है उसका, वो है सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स। अब ये सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम्स जो होते हैं, ये तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला जो होता है वो रनर्स होता है, दूसरा जो होता है वो स्टोलन्स होता है, तीसरा जो होता है वो ऑफसेट्स होते हैं। ये तीन तरह के क्या होते हैं? ये सब एरियल स्टेम्स होते हैं, और ये इन तीन तरह के सब एरियल स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रनर्स। देखो, रनर्स जो होते हैं, रनर्स क्या होते हैं? ये नेरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज होती है, जो कि डेवलप होती है, डेवलप एट द क्राउन क्राउन एंड रूट एट द इंटरवेल्स। ये क्या होती है? ये नेरो ग्रीन हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज होती है, जो कि कहाँ डेवलप होती है? क्राउन पे डेवलप होती है या फिर रूट पे डेवलप होती है। रूट का जो इंटरवेल होता है वहां पे ये डेवलप होती है। वेयर न्यू क्राउन्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड। और यहाँ पे जो होता है, क्या होता है, ये वहाँ पे डेवलप होती है, वहाँ पे नए क्राउन्स जो होते हैं वो भी बनते हैं। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो लोन ग्रास जो होती है वो इसके अंदर आती है, साइनोडोन जो होता है, साइनोडोन दूब ग्रास आपने देखी होगी अपने गार्डन वगैरह में, और एक इसका जो एग्जाम्पल है वो है सेंटेला। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे सब एरियल स्टेम के अगले टाइप की, तो सब एरियल स्टेम का जो अगला टाइप है वो कौन सा है? स्टोलन्स। स्टोलन्स है, स्टोलन्स क्या होते हैं? ये दीज आर आर्क्ड, आर्क्ड जो है हॉरिजॉन्टल ब्रांचेज होती है, दैट डेवलप एट द बेस ऑफ क्राउन। और ये तो कहाँ डेवलप हो रहा था? रनर्स तो कहाँ डेवलप हो रहे थे? तो क्राउन पे डेवलप हो रहे थे। लेकिन जो स्टोलन्स होते हैं वो कहाँ डेवलप होते हैं? ये डेवलप होते हैं बेस ऑफ क्राउन, जो क्राउन का बेस होता है वहां पे ये डेवलप होते हैं, एंड हेल्प इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन लाइक रनर्स। और जिस तरीके से रनर्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, सेम उसी तरीके का मेथड यहाँ पे होता है, सेम वैसे ही यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। बस फर्क इतना है कि जो स्टोन्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? बेस ऑफ क्राउन पे पाए जाते हैं, और जो रनर्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? वो क्राउन्स पे होते हैं, क्राउन्स पे, और रूट के जो इंटरवेल्स होते हैं वहाँ पे वो होते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रॉबेरी और वेलिसनेरिया, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल इसके हैं। जो आपने वेलिसनेरिया का नाम सुना होगा, हाइड्रोफिटिक प्लांट होता है। तो अब अगले टाइप पे हम लोग चलते हैं, सब एरियल स्टेम के अगले टाइप की बात करेंगे, तो वो टाइप होता है ऑफसेट्स। ऑफसेट्स जो होते हैं, ऑफसेट्स क्या होते हैं? सो दीज आर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स। क्या होते हैं? ये वन इंटरनोड लॉन्ग रनर्स होते हैं, जो एक इंटरनोड होता है उतने लंबे ये रनर्स होते हैं, दैट अकर्स इन सम एक्वेटिक प्लांट्स। और कहाँ पाए जाते हैं ये? ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आइकोर्निया वाटर हाइसिंथ। आइकोर्निया का नाम आपने पहले सुना होगा शायद, इसके बारे में हम एक बार और बात करेंगे। इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, हम इसके बारे में अलग से भी बात करेंगे। दूसरा जो उसके एग्जाम्पल है वो है पिस्टिया। पिस्टिया को बोला जाता है वाटर लेट्यूस। ठीक है, समुद्री सलाद एक तरह से हम इसे बोल सकते हैं। तो ये टाइप से किसके? सब एरियल और क्रीपिंग स्टेम के। अब जो स्टेम का अगला जो टाइप आता है वो आता है हमारे एरियल स्टेम। एरियल स्टेम या एरियल शूट इसे कह सकते हैं हम लोग। तो एरियल स्टेम जो होता है वो आपने देखा होगा, एरियल स्टेम आपने अगर कभी ओपेंथिया देखा हो, कैक्टस देखा हो, तो कैक्टस के अंदर एरियल स्टेम पाया जाता है। तो इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो है फ्लैसी फिलोक्लेट्स। फ्लैसी फिलोक्लेट्स पाए जाते हैं ओपेंथिया के अंदर। ओपेंथिया के अंदर जो वो फिलोक्लेट्स होते हैं वो उस प्लांट से, पेरेंट प्लांट से अलग होके एक नए के नए पूरे प्लांट का फॉर्मेशन वो कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है? अगला एग्जाम्पल सुगर केन है। सुगर केन के अंदर किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है? तो इसके अंदर ईच सेगमेंट ऑफ सच स्टेम कैन फॉर्म न्यू प्लांट। सुगर केन के अंदर क्या होता है कि हर सेगमेंट एक नए प्लांट को फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी रखता है ना? समझ आ गया आप लोगों के? तो आपने देखा होगा गन्ने वगैरह को कैसे लगाते हैं, सुगर केन को लगाते हैं कैसे, उसकी खेती कैसे करते हैं? खेती इसी तरीके से किया जाता है, जो सेगमेंट होता है उन सेगमेंटों को रखा जाता है और उन्हीं सेगमेंटों को ग्रो करवाया जाता है मिट्टी के अंदर डाल के। ठीक है, तो यहाँ तक स्टेम जो है हमने कर लिया कंप्लीट। जो स्टेम के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है
वो सारे मेथड्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे लीव्स, कि लीव्स के थ्रू जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लीव्स ऑफ मेनी प्लांट्स हैव एडवेंटेटियस बर्ड्स, काफी सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स में क्या होती है, एडवेंटेटियस बर्ड्स पाई जाती है। और वो जो एडवेंटेटियस बर्ड्स है वो क्या करती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करती है। जैसे आपने ब्रायोफिलम कभी देखा हो, ब्रायोफिलम की जो पत्ती होती है उसके किनारों पे कुछ बर्ड्स पाई जाती है, उसके किनारों पे कुछ बर्ड्स डेवलप हो जाती है, और जैसे ही वो बर्ड्स उस पत्ती से गिर के अलग होती है तो वो क्या करती है, नए प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती है। तो एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल जो होते हैं वो बिग्नोनिया है और ब्रायोफिलम है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया लीव्स तक। अब एक हम यहाँ पे आया था आइकोनिया, वाटर हाइसेंथ, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग क्या होता है। तो ये जो वाटर हाइसेंथ है इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा गया था। ये थोड़े अच्छे फ्लावर्स के थे, सुंदर फ्लावर्स के थे, इस वजह से इसे लाया गया था किसी फॉरेन कंट्री से और लाकर से ग्रो करवा दिया गया था इंडिया के अंदर। तो इंडिया में जो बंगाल वाला क्षेत्र है वहां पे इसे ग्रो करवा दिया गया। तो इसके अंदर क्या, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो काफी तेजी से होता है, बहुत तेजी से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। और ये क्या करता है कि बहुत कम टाइम में पूरे के पूरे जो, क्योंकि ये हाइड्रोफिटिक प्लांट है ना, तो पानी के अंदर पाया जाता है, तो ये क्या कुछ ही टाइम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करके इसने पूरे जो वो वाटर वाला एरिया था उसको कवर कर लिया। अब उसको कवर करने से क्या हुआ, वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से क्या है कि जो जो एनिमल्स थे जो हाइड्रोफिटिक कंडीशन में रहते थे, लाइक फिशेज वगैरह जो थी, जो पानी के अंदर रहने वाले जितने भी जीव थे, वो सारे के सारे जीव जो है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी वहां पे हो गई, तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो जितनी भी फिशेज थी और जितने भी दूसरे जो ऑर्गेनिज्म थे जो उस वाटर के अंदर पाए जा रहे थे, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो मर गए। किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और दैट्स वाई इसे बोला गया टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक इसे कहा गया। लाया क्यों गया था, क्योंकि काफी सुंदर इसके पुष्प थे, फ्लावर काफी अच्छे थे इसके, इस वजह से इसको लाया गया वहां से, पर इसने आतंक मचा दिया भाई। अब जो अगला टाइप है उस टाइप की हम लोग बात करेंगे। तो अदर जो टाइप्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, हम लोगों ने क्या पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो रूट के थ्रू पढ़ लिया हमने, स्टेम के थ्रू पढ़ लिया और लीव्स के थ्रू भी पढ़ लिया। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो प्लांट के कुछ अदर पार्ट से भी हो सकता है। उसमें से जो एक पार्ट होता है जो कि है बुलबिल्स। बुलबिल्स क्या होता है, ये मल्टी सेलुलर फ्लैशी बर्ड्स होती है जिनके थ्रू भी क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल है ऑक्जेलिस के अंदर ही होता है और अगेव के अंदर ही होता है। फिर आगे हम चलते हैं, अगले टाइप के अंदर हम चलते हैं, तो वो होता है ट्यूरियंस। ट्यूरियंस क्या होता है, ट्यूरियंस होता है ये सोलन बर्ड्स होती है, सोलन बर्ड्स होती है विच कंटेन्स मोर फूड, जिसके अंदर क्या होता है, फूड जो होता है वो स्टोर होता है। तो इसके थ्रू भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो होता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है पोटेमोगेटोन और यूट्रिकुलेरिया, ये दोनों एग्जाम्पल इसके हैं। अब ये तो पढ़े हमने सारे के सारे नेचुरल मेथड्स, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के जितने भी नेचुरल मेथड्स थे वो सारे के सारे हम लोगों ने पढ़ लिए। जो नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो रहा है जिन मेथड के थ्रू, वो सारे के सारे नेचुरल मेथड्स है जिसमें हमने सारे पढ़ लिए हैं। अब एक मेथड होता है आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड की जरूरत क्यों होती है, काफ़ी बार क्या होता है कि हमें डिजायर्ड प्लांट चाहिए होता है, तो डिजायर्ड प्लांट जब हमें चाहिए होता है तो वहाँ पे आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज़ किया जाता है। आर्टिफिशियल मेथड्स को हॉर्टिकल्चर मेथड भी बोला जाता है। अब आर्टिफिशियल मेथड को हॉर्टिकल्चर मेथड क्यों बोला जाता है, वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि हॉर्टिकल्चर के अंदर ज़्यादातर हम आर्टिफिशियल मेथड का यूज़ करते हैं। अब देखिए आर्टिफिशियल मेथड्स जो होते हैं क्या होते हैं और क्यों आर्टिफिशियल मेथड्स का यूज किया जाता है, तो टू क्विकली गेट वेराइटी ऑफ मल्टीपल डिजायर्ड प्लांट बाई सोमेटिक पार्ट। क्या होता है आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू हम क्या करते हैं, डिजायर्ड वेराइटी ऑफ प्लांट जो है वो अचीव करते हैं, जो भी डिजायर्ड वेराइटी है प्लांट की वो हम इस मेथड के थ्रू अचीव करते हैं उसके सोमेटिक पार्ट से। यानी कि प्लांट का कोई भी सोमेटिक पार्ट लेते हैं और उस सोमेटिक पार्ट से हम जो हमें चाहिए होता है, जैसा प्लांट हमें चाहिए होता है उस प्लांट की वैसी वेराइटी हम बनाते हैं आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू। तो हम समझते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स जो होते हैं इसके भी तीन टाइप होते हैं। पहला जो टाइप होता है वो होता है कटिंग। कटिंग के अंदर क्या होता है कि हम किसी भी प्लांट का कोई पार्ट जो है वो कट करते हैं और उस प्लांट को
कट करने के बाद में उसे उस प्लांट को किसी दूसरी सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर डाला जाता है, ग्रो करवाया जाता है, और जो पेरेंट प्लांट का जो कट वाला पार्ट था उस कट वाले पार्ट से एक नए प्लांट का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ये मेथड थोड़ा कटिंग मेथड। तो कट पीस ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स विच आर प्लांटेड इन नर्सरीज, कहाँ प्लांटेड किया जाता है उनको, नर्सरीज में। आपको पता है नर्सरीज में गुलाब वगैरह कुछ जो प्लांट्स जो हैं जो तैयार किए जाते हैं वो इसी मेथड के थ्रू तैयार किए जाते हैं। तो अब देखो वहाँ पे क्या होता है, जो कटिंग वाला मेथड होता है वहाँ पे रूट को प्रमोट करने के लिए, मतलब रूट को ग्रो करवाने के लिए, उस कटिंग वाले पार्ट्स में से रूट को ग्रो करवाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। कौन कौन से केमिकल होते हैं वो, उसमें आईबी होता है। आईबी क्या होता है, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड होता है ये। एक केमिकल होता है एनएए, एनए क्या होता है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है। और भी कुछ केमिकल होते हैं आईएए वगैरह कुछ, ये सारे के सारे केमिकल वहाँ पे यूज किए जाते हैं। किसके लिए यूज किए जाते हैं, उस कट पीस के अंदर रूट के फॉर्मेशन के लिए, रूट के प्रमोशन के लिए ये जो केमिकल्स है ये वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो ये पहला जो था ये कटिंग वाला हॉर्टिकल्चर मेथड या आर्टिफिशियल मेथड हम पढ़ रहे थे, पहला टाइप कटिंग वाला हमने पढ़ लिया है। अब दूसरा जो टाइप होता है वो होता है लेयरिंग वाला। देखिए लेयरिंग क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट ऑफ रूट ऑन अ स्टेम व्हाइल स्टेम इज स्टिल अटैच्ड टू इट्स पेरेंट प्लांट। ये जो मेथड होता है इसके अंदर क्या किया जाता है, जो स्टेम होता है स्टेम के अंदर रूटिंग को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे रूटिंग की जाती है। और वो स्टेम होता है वो उसके पेरेंट से कनेक्टेड होता है, उस कनेक्टेड स्टेम के अंदर ही रूटिंग करवाई जाती है। तो रूटिंग करवाने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, माना कि कोई स्टेम है, उस स्टेम को हमने लिया, वहाँ पे थोड़ा सा कट लगाया उस स्टेम के अंदर, और कट लगा के उसको हमने क्या किया, मिट्टी के अंदर दबा दिया, उसको खींच के मिट्टी के अंदर दबा दिया। अब मिट्टी के अंदर दबाने के बाद में क्या हुआ, जो स्टेम पे हमने छोटा कट लगाया था वहाँ कट पे क्या होता है, रूट जो होती है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे रूट का डेवलपमेंट हो जाता है, रूट वहाँ पे बन जाती है। तो इस तरीके से इस मेथड के थ्रू क्या किया जाता है, जो स्टेम होता है जो कि स्टिल जो पेरेंट प्लांट से जुड़ा हुआ है उस स्टेम के अंदर हमने रूटिंग करवा दी है, और फिर बाद में जब उसके अंदर रूटिंग हो गई तो उस स्टेम को वहां से कट करके किसी दूसरी जगह पे हमने क्या कर दिया, ग्रो करवा लिया। तो इस तरीके से ये होता है लेयरिंग, इस तरीके से लेयरिंग होती है। अगला जो टाइप है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, तो वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, ग्राफ्टिंग टेक्निक ऑफ कनेक्टिंग टू प्लांट पार्ट, प्लांट के दो जो पार्ट होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। और वहां पे क्या होता है, यूजुअली ए रूट सिस्टम एंड ए शूट सिस्टम, रूट और शूट सिस्टम दोनों को कनेक्ट किया जाता है टू डिफरेंट प्लांट इन सच ए वे दैट दे यूनाइट एंड लेटर डेवलप एज ए कंपोजिट प्लांट। क्या करते हैं, प्लांट के दो जो पार्ट है उन्हें आपस में जोड़ा जाता है, जोड़ने के बाद में उन्हें क्या किया जाता है, वहाँ पे टेपिंग वगैरह कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे कर देते हैं, टेप वगैरह उनको बिल्कुल पैक कर दिया जाता है। पैक करने के बाद में इसलिए ये किया जाता है ताकि कुछ टाइम बाद में वो जो है वो जो दो प्लांट के दो डिफरेंट पार्ट है वो आपस में जुड़ चुके होते हैं, और जुड़ने के बाद में एक यूनाइट जो है यूनाइट होके एक कंपोजिट प्लांट वो प्रिपेयर कर देते हैं। हमने देखा होगा कि काफ़ी सारे प्लांट के अंदर किसी दूसरे प्लांट का कोई पार्ट लाके जोड़ दिया जाता है, और उस प्लांट को जोड़ने के बाद में हम क्या देखते हैं कि जैसे कोई प्लांट है, आम का प्लांट हमारे पास है, आम के प्लांट के अंदर हमने क्या किया, किसी गुलाब के प्लांट का एक कट लाके और वहाँ पे हमने ग्राफ्टिंग कर दी आम के प्लांट के ऊपर, तो हम क्या देखेंगे कि यार आम के प्लांट के अंदर गुलाब उग रहा है। तो ये सारा जो होता है ये ग्राफ्टिंग के थ्रू होता है, ठीक है। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या होता है, दो प्लांट पार्ट को यूज लिया जाता है, किसी एक प्लांट के पार्ट को लाके दूसरे प्लांट के अंदर क्या किया जाता है, वहां पे आके लाके लगा दिया जाता है, ठीक है। वो लगाने के मेथड्स होते हैं ग्राफ्टिंग के, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड जो था आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का वो हमने पढ़ लिया है। अब जो चौथा और लास्ट मेथड जो होता है आर्टिफिशियल मेथड जो होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का वो होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा कभी, अगर नहीं भी पढ़ा है तो टिश्यू कल्चर क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। तो टिश्यू कल्चर जो होता है किसी प्लांट की किसी सेल का या किसी टिश्यू का या किसी ऑर्गन का, उनका क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, एक मीडियम तैयार किया जाता है, उस मीडियम के अंदर उनका कल्चर किया जाता है। तो ये क्या होता है, माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रोपोगेशन वाई प्लांट टिश्यू कल्चर। अब देखो प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू क्या करवा रहे हैं, हम प्रोपोगेशन करवा रहे हैं, किसी प्लांट को प्रोपोगेट करवा रहे हैं प्लांट टिश्यू कल्चर के थ्रू। तो ये जो मेथड है ये माइक्रो प्रोपोगेशन होता है। सो प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट बाई कल्चरिंग सेल टिश्यू एंड ऑर्गन्स। प्रोपोगेशन कैसे कर रहे हैं प्लांट का, हम किसी उसके किसी प्लांट के सेल को या उसके टिश्यू को या उसके किसी ऑर्गन को
कल्चर कर रहे हैं किसी मीडियम के अंदर और फिर उसे उसका प्रोपोगेशन करवाया जा रहा है। तो ये जो मेथड है इसे प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहा जाता है। और इस मेथड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उसके अंदर माइक्रो प्रोपेगेशन, आजकल तो काफ़ी अदर जो प्लांट्स है जो कि ऑर्नामेंटल नहीं है वहाँ पर भी प्लांट टिश्यू कल्चर यूज किया जाता है। तैयार मतलब किसी भी प्लांट के अंदर जो है हम इस मेथड के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो कल्चर है सेल्स का, टिश्यू का या ऑर्गन का, वो हम तैयार कर सकते हैं और उसे बाद में जब वो तैयार हो जाते हैं तो उसे किसी सूटेबल कंडीशन के अंदर डालकर उसे ग्रो करवाया जा सकता है। तो इसके जो एग्जांपल है वो है ऑर्किड्स, कार्नेशन, फिर ग्लैडियोलस और क्राइसेंथेमम और जो अदर ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं उन सभी के अंदर जो है ये माइक्रो प्रोपोगेशन है, ये वाला जो मेथड है ये उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो कंप्लीट होता है और शायद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो ही गया है आपका। इसके बाद में जो अब हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलिए, जब तक के लिए धन्यवाद।